गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज द हफमैन कोडिंग. तो इसके पहले हमने बहुत सारे चीज डिस्कस किया, टिपिकल सेट के बारे में डिस्कस किया, देन डेटा कंप्रेशन, देन सो मैनी कोडिंग टेक्निक, देन क्राफ्ट इनइक्वालिटी, देन यूनिकली डिकोडेबल कोड, एंड इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज डिस्कस किया है. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक हफमैन कोडिंग. तो हफमैन कोडिंग क्या है? ये आपका एक प्रकार का सोर्स कोडिंग है, और उसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से हमारे आपके इंफॉर्मेशन सोर्स से जो सिंबल्स हमारे जनरेट हो रहे हैं, अगर उनकी प्रोबेबिलिटीज अगर गिवन है, तो हाउ ऑल द सिंबल्स विद हैविंग द प्रोबेबिलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कोड बाय यूजिंग द नंबर दैट इज 0, 1, 2, 3, डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ हफमैन कोडिंग इज देयर. जस्ट लाइक मैंने जैसे पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, दैट इज अबाउट द हफमैन कोडिंग. आपके 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज बाइनरी, देन टर्नरी एंड देन क्वार्टनरी. तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें जो आपके एल्गोरिथम हैं या जो प्रोसेस हैं या प्रोसीजर हैं या स्टेप्स हैं, तो सीधे में न्यूमेरिकल से हम सीधे कंसीडर करेंगे, और उसमें बताऊंगा मैं हाउ जो हमारे कोडिंग टेक्निक होते हैं ये तीनों हफमैन प्रोसेस में किस तरीके से होते हैं, चाहे वो आपका वो बाइनरी हो या आपका टर्नरी हो या क्वार्टनरी हो. एंड इन ऑल द केसेस वी कैन फाइंड the efficiency, and then finally we compare these coding technique with their efficiency in all the techniques. ये हम discuss करेंगे. तो सीधे मैं कह रहा हूँ numerical जो आपका है, इसमें numerical सीधे मैं ले रहा हूँ. and information source produces a sequence of independent symbols having following probabilities. तो आपका ये एक टेबल दिया हुआ है, नाउ फर्स्ट सिंबल प्रोबेबिलिटीज सिंबल F1 प्रोबेबिलिटी 1/3, एंड देन आफ्टर दैट H2 प्रोबेबिलिटी 1/27, एंड देन S3 प्रोबेबिलिटी 1/3, एंड देन S4 प्रोबेबिलिटी 1/9, एंड देन S5 1/9, S6 1/27, and then finally S7 1/27. ये हो गया आपका. And we have to calculate now, construct binary, ternary, and quaternary code using Hofmann
encoding procedure and find its efficiency. Okay, तो ये आपका numerical है. Information source produces a sequence of independent symbols having the following probabilities. I mean there are the 7 symbols and all the probabilities are given, that is 1/3, 1/27 up to 1/27, and finally construct the binary, means Huffman binary, Huffman ternary and then quaternary code using the Huffman encoding process and find its efficiency. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधे में यहाँ पे जो देखिए टर्म लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट दैट, ये आपका कोडिंग ट्री बनेगा, हमें उसको फॉर्म करना है. तो वन बाय वन हम प्रोसेस को लेंगे एंड देन फाइनली वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एफिशिएंसी इन ऑल द केसेस. नाउ आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीअरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज with the symbol. Okay, hum aise symbol lenge. First of all we take the symbol of the higher probability, then after that lower probability, then lower. To agar aapka probability agar same hai to simply jo sequence mein, jaise maan liye iski probability same hai, simply we can write here s by 4 pehle s by 5 aap likh sakte hain. Apne agar aapne s by 5 agar pehle likha hua hai, s by 4 agar baad mein likha, in that case koi issue nahi hai. Theek hai, sirf aapke jo hai jo bits के जो आपके जो पोजीशंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, बट द नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर कोड इज सेम, मींस अगर दो कोड के दो सिंबल्स की प्रोबेबिलिटीज अगर सेम है, इन दैट केस दोनों केस के जो कोडिंग के जो लेंथ होंगे दे आर ऑल सेम. ओके, अभी मैं आगे दिखाऊंगा मैं किस तरीके से कोडिंग सेम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज तो कैसे बनाएंगे चार्ट, सिंपली मैं यहाँ पे राइट करूं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर सिंबल, देन प्रोबेबिलिटी, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेज वन. ओके, then and the first the higher probability I think that is 1/3 means and Westman. So आपका ये S1 हो गया और S1 की जो probability है वो 1/3 है, and then S3 having probability 1/3, and after that the probability 1/9 means S4 having 1/9, S5 1/9, and then x2 1/27, then s6 1/27, and finally s7 1/27. okay, तो आप दिख रहा हो किस तरीके से हमने यहाँ पे in decreasing order of the probability हमने यहाँ place किया हुआ है. ये ऐसे हम chart को बनाएंगे and then this is called the probability and the this probability is named as stage 1. After there so many stages are there and finally we have to reach some steps are there, so we discuss karenge one by one. So initial humne kya hua, jo bhi aapke ye jo table jo diya hua tha, we have to write in the that format, means in the decreasing order of the probability. So aapko de rakhi is tarah. Ha, one thing more, hum jaise humne bola, jaise aapka s1 aur s3 ka probability aapka same tha, theek hai, तो आपने जो S1 को पहले लिखा, S3 बाद में लिखा, तो आप इसको means S3 S1 आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. बट अगर क्या है कि सीक्वेंस में कोई चीज लिखी है तो आप उसको सीक्वेंस में फॉलो करो. ये हो गया एंड आफ्टर दैट अब हमें करना क्या होता है, ये हो गया. Then next step is the stage 2
स्टेज टू के बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड बाइंड्री, ओके। एंड बाइंड्री इन दैट केस दैट इज डी आपका जो होता है वो टू होता है, देन नंबर यूज्ड आर दिस वन, मीन्स हियर वी आर यूजिंग द टू नंबर दैट इज 01 आपको यूज करना है। तो अगर हम बाइंड्री की बात करेंगे तो हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लोअर प्रोबेबिलिटीज एंड हियर वी आर एडिंग द लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज हैविंग द लोअर। अगर हम इन दोनों लोअर को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, इन लोअर को ऐड करने वाला अगर आप इसको ऐड करेंगे 1/27 वी गेट 2/27 एंड देन 2/27 इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रेटर देन 1/27, ठीक है। तो इफ अगर आप इसको ऐड करें, ये इसको ऐड करेंगे and then we have to write then place here that is 2/27, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, means अब देखो ये दोनों को आपने add किया हुआ है then 2/27 और ये 2/27 क्या इससे आपका अधिक है, then this can be moved toward this and can be write as by 27, okay। And after that similarly इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, simple we can write here 9 1/9 and after that it is also written as 1/9, it is also written as 1/3 and similarly it also written as 1/3, okay। And after that again here stays third, इसमें क्या करेंगे तो again add up these two, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको होगा 3/27 एंड 3/27 इज इक्वल टू 1/9 होगा। तो जब 1/9 को जब आप ऐड करेंगे तो ऑलरेडी 1/9 आपके है प्लेस पे है आपके, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो उसको हम कहां ले जाएंगे, आप इन दोनों को ऐड करो वी गेट 1/9 और सिंपली वी हैव टू प्लेस हियर दैट इज कॉल्ड 1/9, ठीक है। और इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप इसको यहां मूव कर दोगे दैट इज 1/9 एंड हियर आल्सो इट कैन बी चेंजेस टू 1/9 और दिस वन लाइक दिस दैट इज 1/3 एंड हियर आल्सो 1/3, ठीक है। तो यहां आपको दिख रहा है भले ही आपने इसको ऐड किया हुआ है 1/9 प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी आपके हैं तो इसको हम टॉप पे ले जाएंगे और सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम उसको नीचे उसको शिफ्ट कर देंगे, हमें ये जो स्ट्रेट पाथ जो है हम इसको ऐसे फॉलो करते चले जाना है, ठीक है। अगेन आप जो आप इसको ऐड करोगे, अगर आप इसको ऐड करोगे फिर इन दोनों को आपने ऐड किया तो इन दोनों को ऐड करना आपका क्या होगा 2/9 होगा। तो जो 2/9 फिर आप अगेन आप इसको दोनों को ऐड करो और वी गेट हियर दैट इज हियर 2/9 एंड दिस कैन बी शिफ्टेड लाइक दिस दैट इज 1/9 और सिमिलरली दिस वन आई कैन राइट एज 1/3 एंड आल्सो दिस कैन बी रिटन एज 1/3, ये हुआ स्टेज थर्ड। देन स्टेज फोर इसको आप लेके चलेंगे तो अगर आप इसको देखें अगेन आप इसको ऐड करेंगे दैट इज ये होगा 2/9 एंड 1/9 दैट इज वी गेट अगर ऐड करेंगे तो वी गेट फाइनली गेट 1/3। तो इफ यू एड दीज टू ये सबसे टॉप पे चला जाएगा हियर और हियर 1/3 एंड देन दिस कैन बी रिटन एज 1/3 एंड हियर आल्सो दिस कैन बी रिटन एज 1/3, ये हो गया आपका। अगेन स्टेज 5 इन दोनों को आप ऐड करेंगे और ये ऐड करने सबसे टॉप पे जाएगा हियर 2/3 और दिस कैन बी रिटन एज 1/3 एंड देन फाइनली स्टेज 6 एड दीज टू एंड फाइनली हियर वी गेट 1, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, 1/3, 1/9, 2/27, then 1/3, 1/9, 1/9, 1/9, then 1/3, 1/3,
ओके हियर मैं थोड़ा नंबरिंग गलत कर दिया हूँ. आई थिंक दिस इज स्टेज थ्री. दिस इज स्टेज फोर. दिस इज स्टेज फाइव एंड फाइनल दिस इज स्टेज सिक्स. ओके ये हो गया आपका. तो ये आपका 1/1 स्टेज आपका हो गया एंड स्टेज फोर 1/3 1/3. ओके हाँ तो आप देखो इस तरीके से आप ये करते चले जाओगे एंड फाइनली आपका वो स्टेज आपका आएगा जहां पे आप फाइनली प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे एंड वी गेट 1. ठीक है, अब जो इसको ऐड करेंगे 2/3 एंड 1/3 एंड वी गेट 1. ये हो गया आपका, प्लेस कर दिया. देन वी हैव टू राइट हियर, दैट इज जो आपने इसको ऐसे ऐड अप करके दिया हुआ है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे. सिमिलरली यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे. अगेन प्लेस हियर 0 एंड 1, देन 0 एंड 1, देन 0 एंड 1, देन 0 एंड 1. इस तरीके से हम 0 1 की मार्किंग कर देंगे. ओके अब हमें ये देखना है कि अब हम यहाँ पे रीड करेंगे और आपको ये देखना है कि आप जो आपको एरो इंडिकेट कर रहा है, तो आप जो है पहले स्टेज से लास्ट स्टेज तक जाने में जो भी आपके पाथ ट्रेस होंगे एंड वी गेट द सिंबल, दैट इज सिंबल इन द फॉर्म ऑफ द 0 एंड 1. तो आपको यहाँ पे सिंबल मिलेगा जो 0 1 के फॉर्म में होगा, वो चीज आपको यहाँ मिल जाएगा. और जो सिंबल होगा वही क्या होगा हमारा, वो उस पर्टिकुलर सिंबल का वो बाइंड्री रिप्रेजेंट करेगा या कोड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्टेन करें, अगर हम देखें यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं फिर यही राइट कर दे रहा हूँ. मैं चार्ट यहाँ बना दे रहा हूँ इस तरीके से अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा मैं प्रोसेस लिख दे रहा हूँ सीधे. और अगर आप देखें तो डिजिट ऑप्टेन्ड by tracing चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये मैं सीधे इसको यहीं लिखता हूँ, इसको आप यहां मत बनाइए. तो अगर आप देखें यहां पे मैं यहां टेबल यहीं बना दे रहा हूँ, फ्रेम कर दे रहा हूँ. Digit obtained by tracing and finally Huffman code. ये हमारा होगा. ठीक है, तो अब हम देखें अगर स्टार्ट करें ट्रेस का, अब हम यहां से स्टार्ट करें ट्रेस की, आपने ये मूव किया here we get 0 एंड देन ये आप फिर इसको नीचे आएंगे. फिर मीन्स हमें यहाँ पे करना कि हमें पहले स्टेज से लास्ट स्टेज में जाना है और आपको ये देखना है कि कौन कौन से आपके वहाँ पे सिंबल ट्रेस होंगे. जैसे देखिए आप जो S1 के लिए चले आप, तो ऐसे चले ये आपको 0 मिला, देन फिर ये आप गए फिर अगेन 0. तो S1 के लिए हमारा क्या हो गया, वो आपने 0 0 ट्रेस किया हुआ है. नहीं, वन थिंग मोर, मैं थोड़ा सा गलत दिखाऊं, ये आपका जो ये आपका ऐसा चीज गया हुआ है, ये रहा. ओके सॉरी, ये पाथ आपका है, ये आप चले ये गए. ठीक है, एंड देन अगेन ये पाथ आप फिर आप यहां से गए एंड वी गेट दिस वन, ये आपको मिलेगा 1. दैट इज नो, ये जो आपका रहा, अगर आप ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट ओके, नहीं सही था वो, ये आपका 0 रहा, देन ओके सिंपल पहले था वही सही है, ये आपका 0 0 हो गया. देन S3 आप चले, S3 के लिए आप गए पहले यहाँ से गए दैट इज 1, एंड देन 1 के बाद क्या आपका है 1 0, ये आपका हो गया S3 के लिए 1 0. आफ्टर दैट इसको आप स्टार्ट किए, ये ट्रेस किए, ये आपको पहला मिला दैट इज 0, then again 0, then 0, then 1, that is 0 0 0 1. इसको आप ट्रेस करें, ये गया आप यहां पे गए दैट इज 1
और वन के बाद आप फिर आप ये ट्रेस किए 1 0 1 1 0 1, देन ये आप स्टार्ट करो, ये आप गए यहां से, ये आपका रहा 1, ये ऊपर गए, फिर 1 गया 1 1 एंड देन अगेन 1 1 1 ट्रिपल 1 1 1 1 फाइनली नेक्स्ट S6 का ये रहा आपका, ये आप गए, ये आपको 0 मिला 0 देन अगेन 0 देन 1 देन 1 0 0 1 1 ओके एंड फाइनली लास्ट 1 1 फिर ये आप गए 0 1 1 0 1 1 ओके। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहां से जो स्टार्ट करना है पहले स्टेट से दूसरे स्टेट से लास्ट स्टेट में जाने तक जो जो आपके बिट्स ट्रेस होंगे तो वही हमारे क्या है सिंबल जो ट्रेस होंगे वही हमारा क्या होगा कोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द डिजिट ऑब्टेन बाय ट्रेसिंग एंड फाइनली व्हाट इज द ऑफमैन कोड, सिंपली वी हैव टू रिवर्स दैट, रिवर्स करेंगे 00 का 0 हो गया देन 01 हो गया आपका, इसका 100 हो गया 101 हो गया 111 हो गया 1100 एंड 11 ये रहा आपका ठीक है। तो सिंपली आपको दिख रहा है किस तरीके से ये कोड फॉर्म हुआ है। तो अगर हमें इसको लेंथ फाइंड करना होगा देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सिंबल, आप लेंथ देखिए यहाँ पे जो लेंथ हमारा होगा देखा जाए ये 2 लेंथ हो गया, हियर आल्सो 2 देन 3 देन 3 4 ये आपके लेंथ हो गए ठीक है। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से आपके ये लेंथ मिल गए आपको एंड आफ्टर दैट अब जो अब आपको फाइंड करना है एंट्रोपी और आपको फाइंड एंट्रोपी फाइंड करना फिर एक्सपेक्टेड लेंथ फाइंड करना है ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे प्रोसेस बताया है किस तरीके से आपने यहाँ पे आपने दो दो को ऐड किया हुआ है, क्यों ऐड किया हुआ बिकॉज हियर हमें जो ट्रेस करना है दैट इज हफमैन बाइनरी और हफमैन बाइनरी में क्या है हम जब जो दो नंबर यूज करेंगे 0 और 1 तो इस तरीके से हम ट्री बनाएंगे एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ जो डिजिट ऑप्टेन होंगे दैट इज बाई ट्रेसिंग वो ऑप्टेन होगा एंड देन जो हफमैन कोडिंग होगा हमारा वो क्या होगा वो उसका रिवर्स प्रोसेस होगा मीन्स उसका उल्टा होगा। तो रिवर्स हमने ऐसे कर दिया ओके एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड दो क्वान्टिटी हमें फाइंड करना है दैट इज फर्स्ट वन जो क्वान्टिटी हमारा होगा एंट्रोपी ओके। तो एंट्रोपी फाइंड करने के लिए आपको पता है ये प्रोबेबिलिटीज हमारी गिवन है, यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज गिवन है देन एंट्रोपी एच इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 2 समेसन आई इज इक्वल टू 1 2 और आपके यहाँ पे सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 होगा देन पी आई log 1/PI टू द बेस 2 ओके। हियर वी आर यूजिंग द समेशन साइन एंड समेशन साइन में आपने जो रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट इज फ्रॉम 1 to 7 ठीक है। तो 1 by 1 वी प्लेस द वैल्यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 1/3 दैट इज 1/3 log 1/1/3 टू द बेस 2 देन अगेन फॉर दिस टर्म इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू 2.89 बिट्स पर सिंबल ये आपको वैल्यूज मिलेगी ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है एंट्रोपी का ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। तो ये आपके सिंबल्स हैं वो सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड हो गया, हमें टोटल आपके यहाँ पे 7 टर्म होंगे बिकॉज देयर आर द 7 सिंबल देन 7 सिंबल के हिसाब से आपके 7 टर्म यहाँ पे होने हैं तो वो चीज हमने फाइंड कर दिया एंड आफ्टर दैट एंड अगेन वी हैव टू फॉर द एफिशिएंसी वी हैव टू फाइंड द एवरेज कोड वर्ड लेंथ दैट इज एक्सपेक्टेड लेंथ expected length is equal to summation I is equal to 1 to 7 that is PILI is equal to PILI का मतलब है कि आपको for each symbol आपको probability पता है और length मैंने find कर दिया what is the length means length आपका वही है कि जो हमें उस code को represent करने के लिए कितने bits की requirement है जैसे हमने सारे जगह bracket mention किया हुआ है
Here we are using the two symbols, that is 00. In that case, the number of bits is equal to 2, then the length of that code is equal to 2. 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. ये सब सारी चीजें हैं. तो आपको सिंबल क्या करना है, आपको वन बाय वन, इन दैट केस आल्सो द एक्सपेक्टेड लेंथ हैविंग द सेवन टर्म बिकॉज देयर आर सेवन सिंबल, तो वन बाय वन आपको ये प्रोबेबिलिटी को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है. देन प्लस, देन वन बाय थ्री इंटू टू, देन प्लस वन बाय नाइन इंटू थ्री, देन प्लस वन बाय नाइन इंटू थ्री, देन प्लस वन बाय ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री, देन प्लस वन बाय ट्वेंटी सेवन इंटू फोर, प्लस वन बाय ट्वेंटी सेवन इंटू फोर. And finally, we get the expected length, that is 2.407. ये आपको values मिलेंगे, ठीक है? ये आपको values मिल गए, जो मैं बताया कि आपको H मिल गया and L मिल गया. And after that, we have to calculate the efficiency. And efficiency, the formula होगा आपके efficiency का, मैं side में यहाँ लिख दे रहा हूँ. Then code efficiency is equal to h upon l is equal to h आपको मिला हुआ है, that is 2.48, ये जो value होगी आपकी, हाँ 2.28, सॉरी है 2.289 है, then 2.28 divided by 2.40 and finally we get that is the value आपकी find होगी, that is 0.9509 and finally this will be in the percentage form, we have to multiply that quantity by the 100 and we get 95.09%. okay, ये value आपकी finally मिलेगी. This is the value, that is 95.09. तो आपको दिख रहा हो किस तरीके से आपने वन बाय वन अपने स्टेज को फॉलो किया हुआ है एंड फाइनली वी हैव टू ट्रेस द सिंबल एंड देन लास्ट वी गेट द हफमैन कोड एंड देन कोड लेंथ एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द लेंथ एंड द प्रोबेबिलिटी एंड फाइंड हियर द एंट्रोपी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सिंपली हम फॉर्मूला पता है, देन एक्सपेक्टेड लेंथ दैट इज समेशन पीआई एलआई, जो आपको वैल्यू पता है. And then we have to find the code efficiency. We know that the code efficiency is equal to the ratio of the entropy to the expected length. When we put here the value, जो हमारा मिला था, जैसे 2.28 को divide कर 2.40. After calculation, we get the value 0.9509. And in the percentage form, we have to multiply that quantity and we get the finally the value 95.09%. Okay. तो ये जो आपका था, अभी आपका जो वो न्यूमेरिकल जो दिया गया था, उस न्यूमेरिकल का ये पहला पार्ट था जिसमें आपने हफमैन बाइनरी कोड फॉर्म किया हुआ है. नाउ एंड अगेन वी हैव टू फाइंड द टर्शनरी. अगर हम टर्शनरी के बारे में अगर हम बात करें टर्शनरी के लिए, तो क्या करना होगा हमें, आई थिंक सो आप लोगों को सभी प्रोसेस समझ में आ गया. ये प्रोसेस आपको हमें फॉलो करना है. तो अगर हम उसकी बात करें, ये बाइनरी केस में जो आपका एच आया था उसको मैं लिख दूं जरा, क्या था आपका 2.28, क्योंकि इसके आगे यूज होना है. ओके, तो अब आप हम पढ़ेंगे हम टर्शनरी का. तो टर्शनरी में क्या है कि हमारी जो डी की वैल्यू होगी, और ये तो अभी आगे वैल्यू यूज करना है, दैट इज आप पता है टर्शनरी में हमारा जो डी होगा वो आपका 3 होगा. इन दैट केस वी आर यूजिंग द 0, 1, 2. अब हमें ये यूज करना है. In that case, we are using the three numbers, that is 0, 1, 2.
तो जैसा आप लोगों ने बाइंड्री में लास्ट के जो लोअर प्रोबेबिलिटीज थी आपने दो दो ऐड किया था, नाउ इन द टर्नरी कोड वी एड अप द लास्ट लोअर थ्री प्रोबेबिलिटीज। इफ यू ऐड दैट इज 1/27, 1/27, 1/27 अगर आप ऐड करेंगे तो वी गेट द वैल्यू 1/9, आपकी वैल्यू जो मिलेगी 1/9 मिलेगी। तो सिंपली आप क्या करना, आपको इन तीनों को आप ऐड करेंगे इस तरीके से अगर आप, तो जो 1/9 जो वैल्यू आएगी आप उसको 1/9, हाँ ये आप ले जाओगे, ये आपका रहा यहाँ पे, ये वैल्यू प्लेस किया आपने 1/9 एंड दिस वैल्यू हियर एंड आफ्टर दैट दिस वन आल्सो चेंजेस टू 1/9 एंड दिस वैल्यू चेंजेस टू 1/3 एंड दिस चेंजेस टू 1/3। ये आपका स्टेज सेकेंड रहा। ये सिंबल्स, ये प्रोबेबिलिटी मीन स्टेज वन वो आपके पहले के जो एस सच हैं वही रहेंगे आपके, सिर्फ स्टेज सेकेंड में आपको ये मिलेगा और जो चीजें ऐड की गई हैं आपको ये मिल गया। एंड आफ्टर दैट अगर आप इसको ऐड करोगे, फिर आप जब इसको ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, इसको आप ऐड करेंगे तो फाइनली वी गेट 1/3। तो वो क्या होगा आपका, वो 1/3 आपका चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये क्वांटिटी आपका यहाँ पे आ गया और जो ये वाला था आपका वो यहाँ आ गया 1/3। एंड लास्ट आप जब इसको ऐड करेंगे एंड वी गेट 1, ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो वी गेट 1, ठीक है। आगे की स्टेज की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका स्टेज थर्ड में जाके आपका वो टोटल वी गेट 1, 1 आपको मिल गया। अब हम क्या यहाँ ऐड करेंगे, 0, 1, 2, देन हियर ऑल्सो 0, 1, 2, देन 0, 1, 2, ये हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैं बाहर लिख दूं ऐसे, ये हो गया। अब वही आपको ट्रेस करना है किस तरीके से आपका पाथ है, ट्रेस करेंगे आप। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर आप एस वन की बात करें हैं, तो आपको ये वैल्यू सीधे मिला 1, तो इसके लिए सीधे क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। एंड आफ्टर दैट इसके लिए आप बात करें, ये गए ये गए ये गए यहाँ पहुंच गए, दैट इज 2। देन फॉर S4 आप यहां से गए ये गए, ये आपका पाथ हुआ 1 एंड देन ये ऊपर एरो हो गया, देन 1-0। देन आफ्टर दैट S5 की हम बात करें तो ये आपका मिला 2 और 2 के बाद आपको मिला 2-0। उसके बाद आप इसकी बात करें, ये आपका 0 है और ये 0 के बाद आप गए, 0 के बाद 0, फिर अगेन 000। अब इसकी बात करें आप, ठीक है, ये रहा आपका 1-0 फिर 1-00, देन अगेन लास्ट 1-2, ये 0 ट्रेस हुआ फिर एंड 2-00, ठीक है। तो ये आपके 20 ट्रेस हुए हैं और फाइनली हॉफमैन कोडिंग होगा, इसमें एक ही वैल्यू है, दैट इज 1 हो गया, 2 हो गया, 0-1 हो गया, 0-2 हो गया, 000 हो गया एंड देन अगेन 001 हो गया एंड 002, ये आपका हो गया, दैट इज 1-2-0-1-0-2-000। ओके हाँ, इस तरीके से आपने ये कोड फॉर्म हुआ। तो ये आपका हॉफमैन कोडिंग फाइंड हो। अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो यहाँ आपका लेंथ 1 हो गया, यहाँ पे लेंथ आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी क्या होगा आपका 3, ये हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी फाइंड करने इन दैट केस जो एंट्रोपी जो हमारा फाइंड होगा, सिंपली आप यहाँ इस केस में हम जो एंट्रोपी फाइंड करेंगे उसके लिए आप सीधे पिछले केस का एंट्रोपी यूज कर लो। तो हम यहाँ पे दैट इज एच और ये आपका हो गया, ये आपका इसमें एक सिंबल आप यूज कर लेंगे, दैट इज एक गामा एक सिंबल आप यूज कर लो और दैट इज एच अपॉन log 3 टू द बेस 2, ये रहा आपका वैल्यू, ठीक है। मीन्स यहाँ आप गामा रख दो। तो ये गामा एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कितने बिट्स की हेल्प से आप कोडिंग को रिप्रेजेंट करोगे। तो इंटरनली कोड वी आर यूजिंग द 3 नंबर, दैट इज 0, 1, 2, इसलिए हमारा जो गामा वैल्यू वो 3 होगा। तो जो ये हमारा जो एंट्रोपी जो हमने फाइंड किया था पहले वाले केस में, दैट इज इन द बाइंड्री, तो
तो आप वही वैल्यू कंसीडर करेंगे जो वैल्यू आपको ऑलरेडी में देखिए यहाँ लिखा था, जो पिछले बार केस में था 2.28 अपॉन लॉग 3 टू द बेस 2। आपको गामा 3 बोला बिकॉज आपको देखो मैंने लिखा हुआ टर्सनरी में हमारा डी की वैल्यू 3 है, मीन्स आप यहाँ पे 3 नंबर यूज कर सकते हैं कोडिंग को दिखाने के लिए। दिख रहा आपने यहाँ पे 012 आपने यूज किया हुआ है 3 नंबर। एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट इसकी जो आपकी जो वैल्यू मिलेगी इन दैट केस जो वैल्यू आपकी मिलेगी दैट इज 1.44 ये वैल्यू मिलेगा। देन एक्सपेक्टेड लेंथ वही समेशन i इज इक्वल टू 127 pi li वही सेम केस, बस आपको प्रोबेबिलिटीज को 1/1 लेंथ से मल्टीप्लाई करना है फॉर ऑल द 7 सिंबल या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन दैट केस ऑल्सो गेट दैट इज 1.44 ये वैल्यू इसकी भी वही सेम मिलेगी। नाउ अगर हम बात करें कोड एफिशिएंसी दैट इज एच अपॉन एच गामा अपॉन एल ए 1.44 अपॉन 1.44 वी गेट वैल्यू 1 और इन टर्म ऑफ द परसेंटेज दैट इज 100%। ओके नाउ अब आपको दिख रहा हो किस तरीके से हमने जो चीजें दिखाई गई हैं इन द टर्सनरी कोड वी गेट द एफिशिएंसी ऑफ द 100%। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि किस तरीके से आपने टर्सनरी को फाइंड किया हुआ है। इन दैट केस प्रोसेस वही फॉलो किया, डिफरेंस आपको क्या देखने मिला बाइनरी आपने दो दो को ऐड किया, टर्सनरी में तीन तीन आपने ऐड किया। सिमिलरली इन द क्वार्टनरी वी हैव टू ऐड द लास्ट 4 जो लोअर प्रोबेबिलिटीज आप उनको ऐड करोगे, ठीक है। एंड प्रोसेस वही आपका जो दिख रहा है। तो जो इसका लास्ट पार्ट है उसको मैं फिर कल डिस्कस करता हूँ इसमें कि किस तरीके से लास्ट के 4 आपके ऐड होंगे जो ऐड करके फिर फाइनली वी गेट द कोडिंग। तो जो प्रोसेस दिख रहा है किस तरीके से आपने इसको ऐसे लिखा है, जो आपने ट्रेसिंग करने वाले सिंबल जो आपके पॉइंट हो रहे हैं वो आपने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, देन हॉफमैन कोडिंग कैसे आपने रिवर्स किया वो चीज आपने दिखाया हुआ है, एंड देन फाइनली वी हैव टू फाइंड द एंट्रोपी एंड देन एक्सपेक्टेड लेंथ एंड देन ऑल्सो लास्ट वी गेट द कोड एफिशिएंसी। फिर आपने आप ये भी देखा किस तरीके से आपने सीधे ये फॉर्मूला यूज किया जो आपने एंट्रोपी जो फाइंड किया था बाइनरी वाले केस में, तो टर्सनरी में और क्वार्टनरी में क्या यूज करें, सिंपली वी हैव टू चेंज टू डिवाइड दिस क्वांटिटी लाइक इन द क्वार्टनरी वी हैव गामा द वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। तो ओके तो जैसे आपने यहाँ पे 3 यूज किया नाउ इन द क्वार्टनरी वी हैव टू यूज द गामा इज इक्वल टू 4। तो ये आपका था दो पार्ट डिस्कस किया क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी था और बाकी इसका एक पार्ट से मैं कल डिस्कस होऊंगा। नाउ दिस इज टुडे टॉपिक। ओके थैंक यू।